हेमंत सोरेन डरे हुए क्यों हैं? झारखंड को तो अराजकता के गर्त में उन्होंने झोंक दिया है, लेकिन युवा न्याय मांगने आ रहे हैं। युवा कह रहे हैं कि आप ही ने कहा था 5,000 से लेकर 7,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, आपने नहीं दिया। आपने नौकरियां देने की बात की थी, आपने नहीं दी। अब जब युवा हक मांगने आ रहा है, न्याय मांगने आ रहा है, तो हेमंत सरकार डरी हुई क्यों है? लोकतांत्रिक आंदोलन को कुचलने की कोशिश क्यों कर रही है? रात भर हमारे कार्यकर्ताओं जगह जगह रोका गया, बसों से उतारा गया, प्रताड़ित किया गया, और हेमंत जी का नौजवानों का स्वागत ऐसे करते हैं? कटीले और नुकीले तारों की बाड़े लगा दी गई है। ऐसा लग रहा है झारखंड के युवा नहीं, कोई आतंकवादी आ रहे हो। मैं हेमंत जी कहना चाहता हूं आपकी सरकार से, अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा। अगर आप ये सोचते हो कि न्याय और अधिकार की लड़ाई को ऐसे कुचला और दबाया जा सकता है, तो ये गलत है। अब जनता कह रही है सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। कितना कुचलोगे, कितना दबाओगे? लेकिन नौजवानों का ये आक्रोश आपकी सरकार के कफन में अंतिम कील साबित होगा। न्याय की लड़ाई लड़ेंगे झारखंड के युवा, अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे झारखंड के युवा, और जीतेंगे। सोरेन सरकार अब केवल दो महीने की मेहमान है। लेकिन वो भी कह रहे हैं कि हम भी अधिकार मांग रहे हैं, मेरा अधिकार कौन देगा, अधिकार मार्च निकाल लो। हमारा मार्च कितने पहले तय था, लेकिन डरी हुई सरकार, घबराए हुए मुख्यमंत्री इस आंदोलन से घबरा के और प्रति आंदोलन की बात कर रहे हैं। जनता सच जानती है।